ಮಡಮಡಮಡಮಡಮಡಮನಿನಾದವಡ್ಡಮರವಯಂ ಜಗಾರಚಂಡದಾಂಡವಂ ದನುರ್ದುನ ಶಿವ ಶಿವಂ ಜಗಟಾಹಸಂ ಸಮಭ್ರಮನಿಲಿಂಬನಿಶ್ಚರಿ ವಿಲೋಲ ವೀಚಿ ವಲ್ಲರಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಮೃದ್ಧನಿ काली मैं हूं काली पुत्र काली चरण और आप देख रहे हैं जी न्यूज। सभी विश्व के संपूर्ण विश्व के सभी शिव भक्तों को मेरा हृदय पूर्वक प्रणाम। श्रावण का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और कांवड़िए पवित्र शरीर और पवित्र मन से दिव्य नदियों का जल भरकर शिव मंदिरों की तरफ बढ़ रहे हैं शिव के अभिषेक के लिए। इस आस्था के पवित्र त्यौहार में, हिंदुओं के पवित्र त्यौहार में, एक मजहबी बबाल खड़ा कर दिया है विरोधी पक्ष ने। योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का फैसला आया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग में जितने भी भोजनालय हैं, दुकानें हैं, उनके नामों के सहित उस पर मालिक का नाम भी नेम प्लेट के रूप में होना चाहिए। इस पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया है। मेरा ये मत है कि कांवड़ियों को ये पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो कहां पर से अन्न जल फल ग्रहण करें, और ये उनका मौलिक अधिकार है अपनी पवित्रता को, अपनी धर्म आस्था को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का रक्षण जो करता है धर्म उसका रक्षण करता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? हिंदू मुसलमान एक फिर कब तक चलेगा? मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? अपनी दुकान पर अपना नाम लिखने के फरमान पर सियासत गर्म है, लेकिन भागीरथी को शिव से मिलाने निकल चुके शिव भक्त, कांवड़ियों की यात्रा शुद्ध और पवित्र रहे उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसलिए ये बड़ा फैसला किया। यूपी में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर ये लिखना अनिवार्य कर दिया गया है कि उसे कौन चला रहा है, यानी अजय की दुकान कौन सी है और अब्दुल की दुकान कौन सी है। कांवड़िये इसे जानकर ही फैसला करें वो कहाँ ठहरना और खाना पीना चाहते हैं। जिन लोगों को अपनी अपनी दुकान पर नाम लिखना था उनमें से ज्यादातर लोगों को इस आदेश से कोई परेशानी नहीं। बेहतर है, इसका पता होना चाहिए कौन ओनर है इसका, तो इसे अच्छा लगा है। हमें प्रशासन की तरफ से जो सुझाव मिला है बहुत अच्छा है। प्रशासन है, हमें पालन करना, हमने सब दुकानदारों ने अपने लिख के लगवा दिया। लेकिन सियासत को फर्क पड़ना था और पड़ा भी। मैं देखो इसको सही नहीं मानता उस बात को, क्योंकि इससे विदेशों में देश की छवि धूमिल होती है। अब हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग भी तो बाहर बहुत बैठे हैं, अगर वो अपने देश में ऐसा कानून बना दें, ऐसा ऑर्डर कर दें, तो कैसा फील होगा। लेकिन वाकई क्या ये कोई सियासी मामला है या आस्था से जुड़ा मामला जिस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, और क्यों इस नियम को बनाने की जरूरत पड़ी? कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए अपनी खान पान के मामले में और शारीरिक मानसिक आचार विचार की शुद्धता के मामले में बहुत ध्यान रखते हैं। विगत 25 वर्षों से कांवड़ यात्रा के मार्ग में अनेक दुकानें और भोजनालय खुलते थे, हिंदू नामों से खुलते थे, लेकिन उसके मालिक मुसलमान होते थे। अभी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने नया नियम जारी किया है कि होटलों के नेम प्लेट के साथ में मालिकों का भी नाम उस पर होना चाहिए। इसके कारण ऐसे सैकड़ों खुलासे हुए हैं कि जिसमें होटल हिंदू नाम से हैं और उसके मालिक मुसलमान हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। जिस मुजफ्फरनगर में सबसे पहले दुकानों पर नाम लिखने का आदेश आया, वहां इस आदेश के बाद मालूम चला कि न्यू बाबा स्वीट्स का कारीगर लियाकत है। नीलम स्वीट्स फजल अहमद चला रहे हैं। क्वालिटी स्वीट्स जफर इकबाल की है। इंडिया स्वीट्स के मालिक सरताज खान हैं।
इन दुकानों पर जब तक उनके मालिकों का नाम नहीं लिखा था, दूर दराज से आने वाले कांवड़ियों को ये नहीं पता चलता था कि दुकान है किसकी। नीलम स्वीट चलाने वाले फजल अहमद के घर में किसी का नाम नीलम नहीं। अक्सर ये नाम हिंदू लड़कियों के रखे जाते हैं, लेकिन नीलम नाम रखने के पीछे उनका तर्क अलग है। अब उन्होंने अपनी दुकान पर इसकी जानकारी भी चिपका दी है, जिसे दूसरे कागज से ढककर रखा गया था। किस नाम से आपकी दुकान? दुकान का नाम है नीलम स्वीट्स। इस बात से ये नहीं कि लोग बात करें नीलम नाम हिंदू है, नीलम नाम हिंदू नहीं है, मतलब क्योंकि लिखा हुआ सब चीजें देखो आप। लेकिन ये भी बड़ी सच्चाई है कि ऐसे नाम लोगों को भ्रम में डालते हैं, लेकिन नाम लिखने के बाद सारे भ्रम खत्म हो गए। अब कांवड़िए खुद फैसला करेंगे कि उन्हें कहां पर शुद्ध खाना मिलेगा। यूपी के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों का नाम लिखने के निर्देश दिए हैं, जिसका पालन भी करवाया जा रहा है। लेकिन जिन शिव भक्त कांवड़ियों के लिए ये नियम बना, वो क्या चाहते हैं? क्या कांवड़ियों के लिए ये फैसला उनकी सुविधा को कम करने वाला है, या फिर इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? सबको पता है कि इस टाइम को वो बंद हो जा लहसुन प्याज ही, अजब वही चुपा चाप स्वाद के जरिए अगर वही खुआ तो कांवड़ तो खंडित है ही। आदि से सहमत है जी, क्यों नहीं है? बिना प्याज और बिना लहसुन का खाते हैं, ठीक है। जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने उसी भिगोने में नॉनवेज बना रहे हैं और फिर बाद में उसी भिगोने में हमारे लिए भी बना देते हैं। विरोध राजनैतिक तौर पर बहुत हो रहा है, लेकिन योगी अड़िग हैं भक्तों की शुद्धता के मामले में, भक्तों के सुविधा के मामले में। पुलिस ने अपनी जांच में ऐसे कई मामले उजागर किए हुए हैं, जिसमें ऐसी घटनाएं सैकड़ों की तादाद में शामिल हुई है। मुद्दा यह है कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? हिंदू नाम रखते हुए होटलों का, भोजनालयों का, उसके मालिक मुस्लिम क्यों हैं? सावन के महीने में शिव भक्त कांवड़ियों को नाम लिखने के फैसले से राहत मिली है। संतों को भी ये फैसला मंजूर है। कुछ दुकानदारों की मंशा पर सवाल उठ रहा है, लेकिन ज्यादातर को नाम बताने में कोई एतराज नहीं। लेकिन फिर सियासत को क्यों ये बात अखर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, सीमित। शिव भक्तों के मन की बात आपने सुनी, उनके विचार सुने, उनके हृदय में क्या चल रहा है ये भी आपने सुना। अब चलते हैं, यह शिव भक्त जहां पर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे, उन दिव्य स्थानों पर। सबसे पहले चलते हैं भोजेश्वर महादेव मंदिर, जो भोपाल में स्थित है। इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ का स्थापित शिवलिंग विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंगों में से एक है। यह मंदिर जितना प्राचीन है, उतनी ही अद्भुत इसकी वास्तुकला भी है। इस मंदिर की महिमा ऐसी है, जो इस मंदिर में आस्था से दर्शन करता है, पूजन करता है, उसकी मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण करते ही हैं, लेकिन उसे एक विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती है। हम सब भोजेश्वर महादेव के दर्शन करके कृतार्थ हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम काली। ओम का जो बीच सेंटर है, उस पे शिवालय और मंदिर निर्मित है। भोपाल के भोजपुर में बीरपा नदी के किनारे मौजूद शिव का अद्भुत मंदिर। जहाँ पहुंचकर ऐसे शिवलिंग के दर्शन होते हैं कि शिव भक्त शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। भोजेश्वर महादेव में मौजूद अद्भुत शिवलिंग 22 फीट ऊंचा है और 7.5 फीट व्यास वाला है। इस शिवलिंग का निर्माण सिर्फ एक पत्थर से किया गया है, जिसकी ख्याति दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंगों में एक के रूप में है। हजारों वर्ष पुराने इस मंदिर को पांडव कालीन कहा जाता है। पांडवों का अज्ञातवास हुआ है, तो उस पीरियड में वो लोग इधर आए हैं, तब ये पूरा वियावान जंगल था, इधर कोई मतलब बस्ती नहीं थी। ये भीमबेटका में आके रुके हैं, तो माता कुंती इनके साथ आई है। कुंती जो थी वो शिव पा सकती, जब तक वो शिव जी की पूजा नहीं कर ले अंजन ग्रहण नहीं करती थी।
तो फिर उन्होंने पांडवों से कहा कि मेरे लिए आप कहीं शिवालय की स्थापना कीजिए, तो मैं उनकी पूजा करूंगी। तो फिर उन्होंने सोचा ऐसा कोई पवित्र स्थल हो जहाँ शिवालय स्थापित किया जाए। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर बना है वो ओम के आकार की है और ओम के बीचों बीच इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के महंत इस ऊंचे शिवलिंग से जुड़ा एक पौराणिक किस्सा बताते हैं, जो इस शिवलिंग के विशाल आकार के पीछे का रहस्य बताता है। हृदय से ऊपर शिवालय नहीं होना चाहिए, तो ये शिवालय की हाइट जो है नीचे से ऊपर तक टोटल 21.5 फुट है, 7.5 फुट ओपन है जलाधारी के, 14 फुट जलाधारी के अंदर है, नीचे फर्श पर रखे हुए हैं, जमीन से 14 फुट ऊपर जलाधारी है। तो ये माता कुंती की हाइट के हिसाब से शिवालय की स्थापना हुई है। माता कुंती की हाइट जो थी वो 25 फुट लंबी थी, इसलिए 21.5 फुट के शिवालय हैं। तो माता कुंती नीचे से खड़े होकर जल चढ़ाती थी, क्योंकि जो भी मंदिर देवी देवता बनते हैं वो धर्म के आधार से और शास्त्रों के हिसाब से ही बनते हैं। भोजराज का नाम मंदिर से जुड़ने की दो कथाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 1000 वर्ष पहले भोजराज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन मंदिर के महंत बताते हैं कि भोजराज ने इस स्थान पर विशेष पूजन किया था। मंदिर का इतिहास प्राचीन है, लेकिन वर्तमान में यह हजारों लाखों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। मंदिर के 4 स्तंभों में शिव पार्वती, सीताराम, लक्ष्मी नारायण और ब्रह्मा सावित्री की प्रतिमाएं अंकित की गई हैं। मंदिर की स्थापत्य कला भी बेजोड़ है। शिव भक्तों के लिए ये महादेव से भक्तों के मिलन का मार्ग है। सावन में भोजेश्वर महादेव के दर्शन करने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है, क्योंकि अद्भुत शिवलिंग के दर्शन से सारे कष्ट दूर होने की मान्यता है। दर्शन करने के लिए मान्यता ये है कि ये प्राचीन शिवालय है, जागृत स्थान है, लोग जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूर्ण होती है। शिव भक्तों की आस्था के प्रतीक भोजेश्वर महादेव की ख्याति भोपाल और मध्य प्रदेश में नहीं, देश विदेश तक है। जो भी शिव भक्त भोपाल आता है वो एक बार भोजेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करना चाहता है। धराधरेन्द्र नंदिनी कुजाग्र चित्र पत्र प्रगल्भ नैक शिल्पिनी त्रिलोचन रतिर मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत्तु निशेथिनी तमः प्रबंध बद्ध कंधर निलिंब निर्झरी धरस्तनु तु कृत्ति सिंधुर कलानिधान बंधुर श्रियं जगद् धुरंधर ओम नमः शिवाय। ओम काली। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर गंगा मंदिर में। ऐसा एक शिव मंदिर है, ऐसा एक शिवलिंग है जिसकी महिमा परंपार है। इस मंदिर के शिवलिंग में हर साल एक अंकुर उत्पन्न होता है। ये अंकुर कहाँ से उत्पन्न होता है, इस लिंगम का क्या रहस्य है, जानने के लिए चलते हैं गढ़मुक्तेश्वर शिव मंदिर की यात्रा पर। ओम काली। ये सीढ़ियों में से पानी की आवाज आती है, ये मान्यता है इस सीढ़ी के बारे में। एक ऐसा शिवलिंग जिसका रहस्य आज तक अनसुलझा है, जिसमें हर साल अंकुर फूटता है। एक ऐसा शिवलिंग जिसमें नजर आती है देवी देवताओं की आकृतियां। एक ऐसा मंदिर जिसकी सीढ़ियों से आती है पानी की आवाज। राजधानी दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर हापुड़ जिले का प्राचीन गढ़मुक्तेश्वर धाम कल कल बहती गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु जुटते हैं। पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के साथ ही गढ़मुक्तेश्वर में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जिनमें होने वाले चमत्कार का रहस्य आज तक अनसुलझा है।
गढ़मुक्तेश्वर के प्राचीन गंगा मंदिर में जी न्यूज की टीम पहुंची और यहां मौजूद शिवलिंग के रहस्य को समझने की कोशिश की। यही शिवलिंग है जिसमें यहां से कलाकृतियां निकलती हैं। आपको मैं दिखा दूं कि इस समय यदि देखा जाए तो एक अंकुर जो यहां पर सामने निकल रहा है और यही सामने निकलता हुआ अंकुर धीरे 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 ये बड़ा होता जाएगा और उसके बाद भगवान की कलाकृतियों में ये तब्दील हो जाएगा। शिवलिंग में हर साल अंकुर कैसे निकलता है और इसे शिवलिंग से पोषण कैसे मिलता है, इसके बारे में आज तक कोई कुछ नहीं बता सका है। मान्यता है कि इस प्राचीन मंदिर में आने वाले श्रद्धालु की हर मुराद पूरी हो जाती है। मंदिर के पुजारी संतोष कौशिक ने शिवलिंग के रहस्य के बारे में बताया। इस प्रकार के अंकुर इसमें अंकुरित होते हैं जो ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं सफ़ेद दाना, और ये धीरे धीरे जिस समय इतना बड़ा होगा उस समय इसमें इतने इतने गले से ऊपर ऊपर आँख नाक इत्यादि सभी चिन्ह अंकित हो जाते हैं। यही नहीं, मंदिर की प्राचीन सीढ़ियों का रहस्य भी अब तक अनसुलझा है। मान्यता है कि मंदिर की सीढ़ियों पर पत्थर मारने पर पानी में पत्थर मारने जैसी आवाज आती है। उस मंदिर के बारे में मान्यताएं हैं कि इन सीढ़ियों पर जब हम पत्थर मारते हैं तो यहाँ पर पानी की आवाज यहाँ से निकलता है। हालांकि इस समय इन सीढ़ियों का नव निर्माण हो रहा है और इन सीढ़ियों पर जब हम पत्थर को मारते हैं या किसी भी भारी वस्तु से इस पर मारते हैं तो ऊपर तक पानी की आवाज़ यहाँ पर जाती है। और ये तकरीबन क्योंकि 108 पहले सीढ़ियाँ थी लेकिन निर्माण होते होते अब इस समय 84 सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं और ये सीढ़ियों में से पानी की आवाज़ आती है, ये मान्यताएं इस सीढ़ी के बारे में। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शिव के गणों को यहाँ पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी, इसलिए इस जगह को गण मुक्तेश्वर के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के साथ बाद में गढ़मुक्तेश्वर कहा जाने लगा। गढ़मुक्तेश्वर से संवाददाता राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदे क्वचित दिगंबरे मनोविनोद में तु वस्तुने जटाभुजंग पिंगल सुरत फणामणि प्रभा कदंब कुंकुम द्रव प्रदीप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद अद्भुतम विभरतु भूत भर्तरी। ओम काली, अब हम चलते हैं एक रहस्यमय स्थान पर। यह स्थान है देवभूमि हिमाचल के कुल्लू में, बिजली महादेव स्थानिक लोग इसे कहते हैं। यहाँ हर 12 साल बाद शिवलिंग पर आकाशीय बिजली गिरती है। क्यों गिरती है, कैसे गिरती है, कोई पता नहीं। इस शिवलिंग का पुनर्निर्माण कैसे होता है ये जानने के लिए चलते हैं बिजली महादेव के दर्शन को, कुल्लू हिमाचल प्रदेश। ओम काली। बिजली महादेव पर हर 12 साल में बिजली गिरने का रहस्य क्या है? कड़कती बिजली गिरने के बावजूद भोलेनाथ के भक्त कैसे सुरक्षित रहते हैं? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 7,800 फीट की ऊंचाई पर बिजली महादेव का मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर में भक्तों को आसमान से गिरने वाली बिजली से बचाने के लिए महादेव खुद सामने आते हैं। श्रद्धालुओं को बिजली गिरने से कष्ट न हो इसलिए भोलेनाथ खुद पर ही बिजली का प्रहार झेलते हैं। हर 12 साल के बाद बिजली महादेव मंदिर के शिवलिंग पर आसमानी बिजली गिरती है और शिवलिंग टूटकर चकनाचूर हो जाता है। मंदिर के बाहर लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर एक पेड़ पर लगे त्रिशूल से होते हुए बिजली सीधे शिवलिंग तक पहुंचती है, इसलिए इस मंदिर का नाम ही बिजली महादेव पड़ गया। हालांकि कई खंडों में बटने के बावजूद महादेव का शिवलिंग रहस्यमय तरीके से दोबारा जुड़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के पुजारी शिवलिंग के हर टुकड़े को इकट्ठा करते हैं, नमक मक्खन और सत्तू का लेप लगाकर शिवलिंग को वापस एक साथ रखते हैं और ऐसा करने के कुछ समय बाद शिवलिंग वापस पहले जैसा ठोस बन जाता है। इस लेप के लगने के बाद ऐसा लगता है मानो कभी शिवलिंग को कुछ हुआ ही ना हो। हैरानी की बात यह है कि हर 12 साल में गिरने वाली इस बिजली का कोई समय निर्धारित
नहीं, ये प्रहार सीधे शिवलिंग पर होता है, लेकिन कभी किसी भक्त को इससे चोट नहीं पहुंची। कुल्लू में बिजली महादेव का मंदिर पार्वती और ब्यास नदियों के संगम के करीब है। सावन में बिजली महादेव के दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ पहुंचती है। भक्त मानते हैं कि भगवान जब भी इस इलाके के लोगों को किसी बुराई से बचाना चाहते हैं, तो बिजली शिवलिंग से टकराती है। 12 साल में एक बार गिरने वाली बिजली का रहस्य अब तक अनसुलझा है। हालांकि ऐसी भी मान्यताएं हैं कि आसमानी बिजली एक तरह का दिव्य आशीर्वाद है, जिसमें कई शक्तियां मौजूद होती हैं। ओम जनि धनि जर जनि ज प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच गालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध गंधरो स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं दमन्दकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगलागला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभण मधुव्रतम स्मरांदकम पुरांदकम भवांदकम अघांदकम गजांदकांधकांधकम दमंदकांधकम भजे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम काली। आप देख रहे हैं जी न्यूज, और जी न्यूज के साथ में हम आज भारत के अलग अलग दिव्य क्षेत्रों में भगवान शिव का दर्शन कर रहे हैं। अब हम चलते हैं राजस्थान के धौलपुर के जंगलों में, जहां पर एक अद्भुत चमत्कारी शिवलिंग मौजूद है। इस शिवलिंग की ये विशेषता है कि ये दिन में 3 बार अपना रंग अद्भुत रीति से बदलता है। और इस शिवलिंग के दर्शन से अनंत पुण्य की प्राप्ति के लिए हम चलते हैं राजस्थान के धौलपुर के जंगलों में। ओम काली। श्रद्धा और भक्ति के रंग अद्भुत हैं, और अद्भुत हैं भगवान भोलेनाथ की लीलाएं और उनके चमत्कार। महादेव अपने भक्तों को एक ऐसा ही चमत्कार दिखाते हैं राजस्थान के धौलपुर में, जहां मौजूद है महादेव का अचलेश्वर रूप। इस अद्भुत मंदिर का चमत्कारी शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। दिन में 3 कलर चेंज होते हैं, सुबह गुलाबी रहता है, दोपहर में केसरिया, शाम को सांवरण में परिवर्तित हो जाते हैं। राजस्थान के धौलपुर में चंबल के बीहड़ में मौजूद ये मंदिर है अचलेश्वर महादेव का। हजारों साल पुराने इस मंदिर के शिवलिंग के चमत्कारी रहस्य को आज तक कोई समझ नहीं पाया। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह के वक्त लाल, दोपहर के समय केसरिया, और शाम को शिवलिंग का रंग सांवला हो जाता है। भक्तों की आस्था को इसका जवाब नहीं चाहिए, लेकिन शिवलिंग का रंग कैसे बदलता है, इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी मौजूद नहीं। शिव दिन के 3 पहर अपने भक्तों को नए रूप में दर्शन देते हैं, और शिव का दर्शन लाभ लेकर अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए यहां दूर दूर से शिव भक्त आते हैं। शिवलिंग के रंग बदलने का चमत्कार देखने के लिए भक्त सुबह से शाम तक अचलेश्वर महादेव मंदिर में रुकते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग पाताल में कहां तक मौजूद है, किसी को इस बात का पता भी नहीं है। आज तक कोई इस चमत्कारी शिवलिंग की गहराई नहीं माप पाया। शिवलिंग की गहराई जानने के लिए एक बार खुदाई करवाई गई, लेकिन कई दिनों तक खुदाई के बाद भी इसका अंतिम छोर नहीं मिला, तो खुदाई का काम रोक दिया गया। ये हजारों वर्ष प्राचीन है, इनकी कोई पता नहीं है, ये तो स्वयं प्रकट हुए, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। चंबल नदी के किनारे बीहड़ों में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जबकि शिवलिंग की प्राचीनता के बारे में सही सही जानकारी किसी के पास नहीं। महादेव के इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ कुमारे लड़के और लड़कियाँ अपने मनचाहे जीवन साथी की कामना लेकर आते हैं, और मन कामेश्वर शिव उसे पूरा करते हैं। हजारों भक्त शिव दरबार में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, और मनोकामना पूरी होने पर दोबारा महादेव का दर्शन करते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग लाल दिखे, केसरिया दिखे, या फिर सांवला, हर रूप में भक्तों को महादेव नजर आते हैं। शिवलिंग रंग बदलता है, लेकिन इससे जुड़ी भक्तों की आस्था अचल और अडिग है। सर
सहस्रलोचन प्रभृत्य शेख लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणे विधूसरांगिपीठ भुजंगराजमालया निबद्ध जाड जूडक श्रियै शिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग भानि बीद बंधसाय गन्न मन्निलिम्बन नायकम् सुधामयूखलेखय विराजमान शेखर महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु नः ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको लेके चलता हूं ऐसे दिव्य क्षेत्र में जिसकी महिमा परंपार है, जबलपुर क्षेत्र के भेड़ी घाट अथवा भेड़ा घाट। नर्मदा जी के किनारे बसे जबलपुर के भेड़ा घाट में भगवान शिव शक्ति का ऐसा दिव्य स्थान है जिसका नाम है गौरी शंकर 64 योगिनी मंदिर। श्रावण के महीने में इस मंदिर में जो कोई पूजन करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसी भक्तों की सुदृढ़ श्रद्धा है। जहां के हर पत्थर में है भगवान शंकर का वास, जहां मां नर्मदा की हर धारा में है भक्तों का शिव पर अटूट विश्वास, जहां के कण कण में बसी है महादेव की महिमा। मां नर्मदा की शांत तटों के किनारे तैरता शहर जबलपुर, जहां आज भी भक्तों को मिलते हैं भगवान शिव और मां पार्वती के होने का साक्षात प्रमाण। मान्यता है कि मां नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है और जबलपुर में मां नर्मदा के किनारे शंकर जी के कई मंदिर हैं, जिसमें सबसे खास है गौरी शंकर 64 योगिनी मंदिर। करीब 250 मीटर ऊपर पहाड़ी पर बसा ये मंदिर करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। भेड़ा घाट के गौरी शंकर का जितना आध्यात्मिक महत्व है उतने ही इससे जुड़े रहस्य भी हैं। मान्यता है कि इसी जगह पर भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण पर निकले थे, भेड़ा घाट में ऊंचाई वाले स्थान पहुंचे। यहां सुवर्ण ऋषि तप कर रहे थे, भगवान के दर्शन पाकर सुवर्ण ऋषि अत्यधिक प्रसन्न हुए। भगवान शंकर और माँ पार्वती से नर्मदा के पूजन कर लौटने तक रुकने का आग्रह किया। इस दौरान ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा में जल समाधि ले ली ताकि भगवान वहीं विराजमान हो जाए, और ऐसा ही हुआ। माना ये भी जाता है कि भगवान शिव के आग्रह पर माँ नर्मदा ने अपना रास्ता बदल लिया, जिसकी वजह से धुआंधार जलप्रपात की उत्पत्ति हुई जो आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। महादेव के भक्तों का मानना है कि आज भी भगवान शिव और पार्वती यहाँ किसी न किसी रूप में विराजमान हैं। श्रावण के महीने में पवित्र मन से यहाँ आने वाले भक्त महादेव से जो भी मनोकामना करते हैं उसे मन कामेश्वर जरूर पूरा करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम काली शिव भक्तो, भगवान शिव कैलाश में विराजमान, गणपति कार्तिकेय अपनी शक्ति जगदम्बा गिरिजा पार्वती के साथ में कैलाश लोक में विराजमान है। उसी कैलाश लोक की प्रतिकृति एक मंदिर में बनाई गई है। यह मंदिर पुरातत्वविदों के अनुसार 1200 साल पुराना है।
लाखों करोड़ों टन चट्टान को काटकर बनाया हुआ मंदिर यह जागतिक आश्चर्य है, क्योंकि पहाड़ को ऊपर से नीचे तक के काटते हुए लाकर तराशते हुए यह मंदिर बनाया गया है। एक ही चट्टान में, एक ही पहाड़ में यह जागतिक आश्चर्य है। देवों के देव महादेव, जिनकी महिमा अनूठी है, तो उनके मंदिरों की निर्माण शैली एक रहस्य। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के जिन चमत्कारों का वर्णन है, कलयुग में उसका सबूत है भोलेनाथ के ऐसे सैकड़ों मंदिर, जिसमें से एक है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बसा ये शिवालय, जो केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के शिव भक्तों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। कहते हैं भगवान शिव आदि से अनंत तक हैं, जो इस ब्रह्मांड से भी विशाल है। इंसानी आकार के सामने एलोरा का कैलाश टेंपल ऐसा ही विशालकाय तीर्थ स्थल है, जिसका ना ओर है ना छोर। मात्र एक पत्थर से बना 276 फीट लंबा और 154 फीट चौड़े इस मंदिर की खासियत यह है कि इसे सिर्फ एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करीब 40,000 टन के एक पत्थर से किया गया, जिसे कैलाश का आकार देने की कोशिश की गई है। पश्चिम का कैलाश कहे जाने वाले इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। यही वजह है कि हर हिस्से से शिव भक्त आज यहाँ पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ आते हैं। कदा निलिम्ब निर्झरीणि गुञ्जकोटरेव संविमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललाम भाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् गदा सुखे भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गत्यौ विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनौ सुशंकरस्य चिन्तनौ सुशंकरस्य चिन्तनौ। ओम काली, अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऐसे शिवलोक में जिसकी स्थापना स्वयं पांडवों ने की थी। ऐसा प्राचीन क्षेत्र ये है, रतलाम में स्थित एक गुफा में भगवान शिव का विराजमान होना है। यहाँ पर एक विशेष चमत्कार भक्तों को अनुभव में होता है। हर हर महादेव की ध्वनि और अलग अलग शिव मंत्रों की ध्वनि इस गुफा में अपने आप ही सुनाई देती है, बिना किसी के उच्चारण के। शिवाय ॐ नमः शिवाय। मालवा की पहाड़ियों के बीच भगवान भोलेनाथ की सबसे रहस्यमय गुफा, भगवान शिव की एक रहस्यमय गुफा जो मालवा से उज्जैन महाकाल तक जाती है। भीम पांडव के समय का परंपरा से स्थान है। इस गुफा में मौजूद है महाभारत काल का शिवलिंग, भगवान भोलेनाथ का वो शिवलिंग जिसे खुद महाबली भीम ने स्थापित किया। ये बताया जाता है कि जो भीम है उनके द्वारा ये गुफा का निर्माण किया गया, उनने गुफा का निर्माण करा था। भगवान शिव की इस गुफा से हर वक्त आती है हर हर महादेव की आवाज। मध्य प्रदेश का रतलाम जिला और 200 मीटर ऊंची पहाड़ी पर गुफा में मौजूद महादेव का मंदिर, और मंदिर तक पहुंचने से पहले करीब 25 फीट सकरी गुफा। सावन का महा प्रारंभ होने वाला है और भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में अब जो है शिव भक्त पहुंचेंगे, लेकिन हम आपको ऐसा शिव स्थान दिखा रहे हैं जो काफी दुर्लभ है और काफी कम लोगों को इसके बारे में जानकारी। और यहाँ से पहले इस पहाड़ी को देखिए कि कितनी ऊंची पहाड़ी है, और इस पहाड़ी पर हम खड़े हैं और इस पहाड़ी में जो है ये छोटी सी गुफा है नीचे की ओर, जिसमें अंदर जाने का जो मुख द्वार है वो भी काफी छोटा है। प्राचीन गुफा का रास्ता सकरा और खतरनाक है,
बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में जाने के लिए जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है। ये सकी है कि यदि मैं अकेला देखिए जा रहा हूँ और दूसरा कोई व्यक्ति मेरे साथ इस गुफा में अंदर जो है साथ में जो है अंदर नहीं जा सकता, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अंदर जो है भोलेनाथ का शिवलिंग है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए अंदर जाने के बाद देखिए इस तरीके से अंदर उतरना होगा। अंदर जाने पर एक बार में सिर्फ 3 भक्त ही दर्शन कर पाते हैं। मंदिर के अंदर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, नंदी जी भी विराजमान है। किस तरीके से अद्भुत प्राचीन शिवलिंग है, नंदी बाबा है, और किस तरीके से यहाँ पर जो है पूजा भी होती है, तो श्रद्धालु आते हैं, आस्था है, और काफी दुर्लभ जो स्थान है क्योंकि यहाँ पर आना जाना हर किसी के लिए संभव भी नहीं है। मंदिर में मंगलपुरी बाबा कई सालों से पूजा अर्चना करवा रहे हैं। बाबा बताते हैं कि मंदिर की गुफा का निर्माण भीम ने किया था और सावन के महीने में यहाँ नाग नागिन का जोड़ा भी रहता है। ये बताया जाता है कि जो भीम है उनके द्वारा ये गुफा का निर्माण किया गया। उनने ही गुफा का निर्माण करा था, जंगली एरिया था, इधर मनक वगैरह कोई भी नहीं रहते थे, और सावन के महीने में नाग नागिन का जोड़ा हमेशा रहता, कोई जिसको मालूम गांव वाले उनको डर के भटका, कोई आना नहीं पसंद कर। माना जाता है कि इस गुफा का रास्ता उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर तक जाता था, लेकिन कालांतर में इसको बंद कर दिया गया। अद्भुत स्थान है और यहाँ पर जो है बड़ा ही नजारा ऐसा है कि जो भगवान भोलेनाथ है वो एक गुफा के अंदर है, और अंदर जाकर के 15 फीट अंदर जाने के बाद जो है ये रास्ता खत्म होता है, और यहाँ पर जो है ये भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग नजर आता है, और उसके बाद जो है श्रद्धालु दर्शन करते हैं। सावन के महीने में यहाँ भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और भगवान भोलेनाथ अपने सच्चे भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। धर्मगुरु होने के नाते सार्वजनिक रूप से एक अद्भुत मंत्र आप सबको बता रहा हूं, इसमें मुझे गुरु मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस मंत्र का एक बार उच्चारण करने से 100 बार ओम नमः शिवाय मंत्र के जप का पुण्य फल प्राप्त होता है। नमः शिवाय मह शिवाय न शिवाय नमः वाय नमः शि य नमः शिवा। भगवान शिव हम सभी भक्तों पर विशेष कृपा करें, राष्ट्र का परम कल्याण हो, भारत माता जगतगुरु बने, चक्रवर्ती सम्राट बने, भारत सोनी की चिड़िया बन जाए, भारत को अपना पुराना वैभव फिर से प्राप्त हो, ऐसी मैं भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ पुणे के ओंकारेश्वर मंदिर में। और इस जी न्यूज की इस भक्ति धारा वाली सीरीज में हम सब भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं और कृतार्थ हो रहे हैं, हम सब पर भगवान शिव परम कृपा करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ओम काली ओम नमः शिवाय।